नमस्कार दोस्तों, रोहित स्टडीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 दिमागी पहेलियाँ और IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ सवालों को लाया हूँ दोस्तों, जिसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, IAS इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को आपके सामने सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है ताकि आपके सामने इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको बहुत सूझबूझ और समझदारी के साथ जवाब देंगे। तो दोस्तों, मैं ये तीसरा पार्ट ला रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर दिया हूँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप यहीं से देख सकते हैं। दोस्तों, इन सवालों का जवाब सोचने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है और आप इससे अधिक समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला सवाल है, आसमान से गिरा सफ़ेद गोला ज़मीन पर, फोड़ो तो गुठली नहीं, खाओ तो स्वाद नहीं, बताओ क्या? उत्तर, ओला। दूसरा सवाल है, आना जाना उसको भाए, जिसके घर जाए टुकड़े कर आए, बताओ क्या? उत्तर है, आरी। तीसरा सवाल है, आप गाड़ी चलाते हैं, ये बताइए पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जवाब है, मुझे इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन उसे सीला तेल या स्वर्ण ध्रुव कहते हैं। चौथा सवाल है, छोटा सा सिपाही खींच के उसकी पैंट उतारी, बताओ क्या? इसका जवाब है, केला। पांचवा सवाल है, बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया? इसका जवाब है, गुजरात विजय की निशानी के स्वरूप में इसका निर्माण कराया गया था। छठवां है, एक मनुष्य के औसत कितने जन्मदिन होते हैं? इसका जवाब है, 1। दोस्तों, मनुष्य का जन्मदिन एक ही होता है लेकिन उसे बार बार मनाया जाता है। सातवां सवाल है, अगर आपके पास 2 गाय हैं और 4 बकरी हैं तो आपके पास कुल कितने पैर हैं? तो इसका उत्तर है, केवल 2 ही पैर, क्योंकि दोस्तों आपके पास केवल 2 ही पैर रहेगा। आठवां सवाल है, अगर आप IAS में सफल नहीं हुए तो आप क्या करेंगे? तो कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा, इसके अलावा मैंने अभी दूसरा कोई विकल्प सोचा ही नहीं है। सवाल नौवां है, उस गाने का नाम बताओ जिसे पूरी दुनिया में गाया जाता है। उत्तर, हैप्पी बर्थडे टू यू। सवाल दसवां है, एक औरत के 2 बालक, दोनों एक ही रंग के, पहला चले दूसरा सोए, फिर भी दोनों संग रहे, बताओ क्या? इसका जवाब है, चक्की। तो दोस्तों, ये तीसरा पार्ट पूरा हो गया है, इसके बाद मैं चौथे पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।